नमस्कार दोस्तों मैं हूं डेविड स्वागत करता हूं आपका बरमाटे के यूट्यूब चैनल में राइज यहां पे जो आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का जो फॉर्म आया है इसमें दोस्तों यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट भाई लोग को यहां पे जो अपना फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे दोस्तों ज्यादा जानकारी भी नहीं दिया गया है कि कैसे आप लोग को फोटो और कैसा सिग्नेचर अपलोड करना है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को वही पूरा कम्पलीट जानकारी देने वाले हैं कैसे आप लोग को फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है और कैसा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है सब चीज दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को कंप्लीट जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को दोस्तों करके भी दिखलाएंगे कैसे आप लोग को अपलोड करना है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का अपडेट आप लोग को आगे भी मिलता रहे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आगे हम लोग जो ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे फॉर्म आपका फिलअप हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों सब चीज जानकारी भरने के बाद आप लोग को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सिर्फ लिखा हुआ है साइज लिखा हुआ है कि 5 से बीस केवी के बीच में होना चाहिए लेकिन दोस्तों यहाँ पे साइज ही मैटर नहीं करता है आप लोगों को फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए फोटो कैसा होना चाहिए ये सभी मैटर करता है तो यहाँ पे दोस्तों हम चले जाते हैं इनके नोटिफिकेशन पे और नोटिफिकेशन पे जाने के बाद दोस्तों आप लोग देखिए इस प्रकार से नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन में भी दोस्तों ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है यहाँ पे फोटोग्राफी पे जाएंगे तो देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्वेंटी कॉपीज ऑफ मतलब की ट्वेंटी कॉपीज निकाल लेना है गुड क्वालिटी में अब यहाँ पे दोस्तों देखिए बोला जा रहा है फोटोग्राफी पेपर इन वाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन थ्री मंथ्स ओल्ड यानी कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो मतलब कि व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए तीन मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कंप्यूटराइज फोटो कॉपीज या फोटोशॉप्ट फोटोग्राफी विल बी नॉक्स नॉट एक्सेप्टेड मतलब बहुत सारा फोटो को ऐसे एडिट वगैरह करके लाया जाता है तो वो सब एक्सेप्टेड नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है फोटोग्राफी मस्ट बी विथ एन पे प्रोपर हेयर कट एंड क्लीन क्लीनशेप यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि आप लोग को हेयर कट प्रॉपर करवा लेना है और जो क्लीन सेव होता है वो भी करवा लेना है तभी आपका अपना फोटो जो है वो खींच के अपलोड करना है अब दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में नहीं दिया गया है सिर्फ फोटोग्राफी के बारे में भी दिया हुआ है कि वाइट बैकग्राउंड में आपका जो फोटो है वो चाहिए और क्लीन सेव करवा के प्रॉपर हेयर कट आप लोग को डालना है यहाँ पे वैसा ही फोटो डालना है कुछ हलबल डाल दीजिएगा तो यहाँ पे आपका फोटो हो सकता है कि फोटो के कारण फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो फोटोग्राफी अपलोड करना है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए अगर दोस्तों आपका हाल ही का फोटो खींचा हुआ है और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो अगर दूसरा कोई कलर में है तो दोस्तों व्हाइट कैसे करना है यहां पर देख सकते हैं ये वीडियो का लिंक आप लोग हम इस पर एक मिनट में दोस्तों आप लोग अपना फोटोग्राफी कोई भी बैकग्राउंड है उसको व्हाइट कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो को देख लीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो साइज होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है कि पांच से बीस के वी के बीच में होना चाहिए ये फोटो का भी और सिग्नेचर के बारे में दोस्तों बात कर ले तो सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पे पांच से दस के वी के बीच पूछा मांगा जा रहा है

सबसे पहले दो करके अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों तो पांच से बीस के के बीच होना चाहिए लेकिन हमारा यहाँ पे दोस्तों अगर फोटो चेक करे तो यहाँ पे दोस्तों का प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सौ बासठ के वी में है तो ये दोस्तों अपलोड नहीं होगा सिर्फ यहाँ पे ले ले रहा है तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि आपको यहाँ से सिंपली काट देना है और यहाँ पे चले जाना है अब दोस्तों आप लोग को लिख देना है फोटो कंप्रेस और फोटो कंप्रेस लिख के सर्च करना है उसके बाद ये वाला वेबसाइट पे चले जाना है अब यहाँ पे सिंपली अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे आप लोग को चले जाना है और यहाँ से अपना जो फोटो है उसको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद देखिए ये हमारा फोटो यहाँ पे अपलोड हो गया अब इस पे डबल क्लिक आप लोग को कर देना है और यहाँ पे जैसे जाइएगा देखिए हमारा फोटो बीस केवी में हो गया लेकिन हम इसको और थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये देखिए हमारा सत्रह केवी में फोटो हो गया और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मांग रहा था पांच से बीस केवी के बीच तो ये हमारा सत्रह केवी का हो गया तो अब ये सही हो गया अब यहाँ से सिंपली अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद दोस्तों ऊपर आप लोग को सिंपली चले जाना है डाउनलोड का ऑप्शन में में है 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 डाउनलोड डाउनलोड पे क्लिक कर देना और और अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चूज फाइल चले जाना आप लोग को वाला जो सेक्शन था डायरेक्ट वहां पर जाना है और यहाँ पे अपना जो फोटो था वो सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर पे चले जाते हैं तो सिग्नेचर भी दोस्तों आप लोग को सेम वैसे ही करना है सिग्नेचर का साइज यहाँ पे पांच से दस केवी के बीच ही रखना है और दोस्तों व्हाइट पेपर पर आप लोग सिग्नेचर कीजिएगा ज्यादा बेटर रहे

क्लिक कर देंगे ये हमारा सिग्नेचर भी डाउनलोड हो गया अब यहाँ से चूज फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन है इस जाएंगे और देखिए ये हमारा सिग्नेचर भी आ गया तो इस प्रकार सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया और अब दोस्तों देखिए हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया अब हम यहाँ पर दोस्तों सिंपली सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फोटो और सिग्नेचर है वो अच्छी तरीका से अपलोड हो गया इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को जो फोटो और सिग्नेचर है अच्छी तरीका से आप लोग को अपलोड कर देना है देखिए ये हमारा फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड हो गया इस बात को दोस्तों आप को ध्यान देना है। फोटो का बैकग्राउंड है जो व्हाइट रखना है और यहाँ पे जो फोटो सिग्नेचर है इसको भी दोस्तों व्हाइट पेपर पे ही आप लोगों को करना है कोई दूसरा पेपर पे मत कर दीजिएगा नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद पड़ा होगा वीडियो पसंद पाया तो वीडियो को लाइक कीजिए